अब टॉपिक करेंगे हम कन्वर्जन का। तो कन्वर्जन में हमने क्या करना है कि जो एक डेसिमल नंबर होगा तो उसे कैसे हम फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा कि एक फ्रैक्शन है तो हमारे पास, तो उसको कैसे हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो जल्दी से देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, मान लो कि 2.6, ओके, ये डेसिमल नंबर है, तो कैसे कन्वर्ट करें इसे फ्रैक्शन में। तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि हम क्या देखते हैं कि इस डेसिमल के बाद कितनी हमारे पास डिजिट्स है। वन डिजिट है ओनली। एंड जो प्लेस वैल्यू चार्ट को याद करो कि डेसिमल के बाद हमारे पास क्या आता है, टेंथ्स आता है। तो यानी ये वन डिजिट है और डेसिमल के बाद नेक्स्ट क्या था, टेंथ्स। तो जस्ट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेंथ्स का मतलब डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। ओके, एंड ऊपर क्या करेंगे, अब डेसिमल नहीं लिखेंगे, डेसिमल हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 26। ओके, जस्ट डेसिमल के बाद की हमें डिजिट काउंट करनी है। ये वन है, वन का मतलब प्लेस वैल्यू चार्ट करो, टेंस। ओके, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। या सिंपल अगर प्लेस वैल्यू चार्ट भी ना याद हो तो टोटल कितनी डिजिट है, 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 10 से लेके चलेंगे, 10, 100, 1000, ऐसे। जैसे अगर दूसरा एग्जांपल ले अभी, तो मान लो कि 18/36 है हमारे पास। ओके, अब क्या करेंगे, दो डिजिट है यानी कि नीचे 20 यानी कि 100 और ऊपर नंबर एज इट इज हो गया। नंबर में हम क्या करेंगे, डेसिमल हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। ऐसे अगर कोई और एग्जांपल ले लें हम कि 600.5890 ये नंबर है हमारे पास, अब क्या करें, वही तरीका, हमें डेसिमल से जो हमारे लेफ्ट साइड में नंबर है, हमें इससे मतलब नहीं है यहाँ पे कि 600 है क्या चीज़ है, कितने डिजिट का है, नहीं, हमें मतलब है इससे। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, हमारे पास क्या हो गई, 4 डिजिट हो गई। तो हमारे पास हम क्या करेंगे इसे 1, 2, 3, 4 थाउजेंड से करेंगे, 10,000 से करेंगे, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड एंड 10,000, यही होता है। देन ऊपर क्या लिखेंगे, जो नंबर आप डेसिमल हटा के बनेगा एग्जैक्टली वो लिख दो, 5, 8, 9, 0, सिंपल चीज़, क्लियर हुआ। एंड इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसे हमने फ्रैक्शन को किया था, आप उसको वैसे भी कर सकते हो आगे। ओके, तो ये था आपके पास कि कैसे एक डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, क्लियर। अब देखेंगे आगे हम कि कैसे फ्रैक्शंस को डेसिमल में करेंगे। तो फ्रैक्शन में मान लो कि 5/10 है हमारे पास, तो क्या करें, अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है इस 5/10 को, तो नीचे कितनी जीरो है, 1, यानी कि लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, ये है राइट, इसकी लेफ्ट की तरफ चलेंगे, तो पहले लिखेंगे 5, तो हमें 0 है, 1 एक ही है, तो ये टेंस प्लेस किए, तो यानी एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, एक डिजिट हमने लिख दी, एक डेसिमल लगा दिया, देन 0, समझे बात। ऐसी कोई और एग्जांपल लेते हैं अभी ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, 6/16/100 ले लेते हैं। ओके, ये अच्छा है। अब क्या करेंगे, नीचे कितनी 0, 2, यानी कि 2 प्लेसेस के बाद हमारा एक डेसिमल लगेगा, कैसे, जब हम चलेंगे कहाँ से, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चलोगे तो आपके पास हमें डिजिट्स काउंट करनी है, यहाँ से 1 and 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा दें, यानी 6, 1, यहाँ से चले 2 प्लेसेस हो गई, 0 डेसिमल लगा दिया, देन जो नंबर होगा वैसे लिख देंगे, अब ये आपके पास क्या हो गया, इसका डेसिमल फॉर्म। ऐसे ही अगर हमारे पास, मान लो कि एग्जांपल मैं ले लेता हूँ एक, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं और ले लेते हैं कि 23/8, ओके, नीचे है 10, क्लियर। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे समझ जाएंगे आप। तो अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, कितनी डिजिट्स के बाद हमें डेसिमल लगाना है, हमें पता है कि नीचे 10 है, तो 1 डिजिट के बाद, तो काउंट कहाँ से करेंगे, किस डायरेक्शन में चलेंगे, ऐसे चलेंगे, तो पहले लिखेंगे 8, अब ये 1 डिजिट हो गई तो लगाएंगे डेसिमल। ओके, देन क्या करेंगे, 2, 0, 3, क्लियर होगी चीज, ये कैसे किया। ऐसी कोई और एग्जांपल ले लेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, 62, ये ओके, 6234 को हमने डिवाइड किया हुआ है 1000 से, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसको हमें डेसिमल में करना है, तो क्या करेंगे, कितने डिजिट 0 है, 1, 2, 3,
यानी लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ चलना हमें, है ना, ऐसे। तो पहले 4 लिखा, 3 लिखा एंड 2 लिखा, 3 0 मतलब तीन प्लेसेस लिख चुके हैं, देन डॉट, देन 6, तो ये हो गया 6.234। ओके जी, तो ये था कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। इसमें एक एग्जाम, हाँ जी ये हो गया हमारा, हाँ हो गया, बिल्कुल हो गया। ओके, तो ये हमारे पास टॉपिक हो गया कि कैसे कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर से फ्रैक्शन में एंड फ्रैक्शन टू डेसिमल, ठीक है, तो ये कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम करने वाले हैं कि कैसे अब हमें कंपेयरिंग करनी है, ये हमने करना सीख लिया बट कंपेयर कैसे करेंगे, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, देन जो हमारा टॉपिक होगा उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, क्लियर, तो ये कर लीजिए जल्दी से, फिर मिलते जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक पर।